हेलो दोस्तों, सलाम आदाब नमस्ते सत श्री अकाल। तो क्या हाल चाल है जनाब? बढ़िया, चलो मेरा भी एकदम झक्कास। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया को दुनिया का सबसे खराब और पागलपन से भरा हुआ देश माना जाता है, क्योंकि यहाँ रह रहे लोगों को किसी भी चीज की आजादी नहीं होती है और सरकार का जनता पर पूरी तरह से कंट्रोल होता है। दोस्तों, आज हम आपको नॉर्थ कोरियन स्कूल्स के 10 ऐसे सख्त कानूनों के बारे में बताएंगे जिसे जानकर भाई साहब आपका दिमाग सन्न रह जाएगा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं नॉर्थ कोरिया के स्कूलों के बारे में 10 सबसे सख्त कानून। लेकिन मेरी जान, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले पता है ना आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और हाँ, सबसे जरूरी काम, बाजू वाली घंटी को भी दबाना है, समझे? तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सख्त कानून नंबर 1। दोस्तों, हमारे यहाँ कई अलग अलग राजाओं के हिस्ट्री, उन्होंने जो युद्ध लड़े, भारत की स्वतंत्रता जैसे ऐतिहासिक चीजों को हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है। लेकिन नॉर्थ कोरिया में इतिहास के नाम पर सिर्फ 3 लीडर्स के बारे में बताया जाता है। पहले किम जोंग के बारे में बताया जाता है कि किम जोंग कितना अच्छा इंसान था और उसने बचपन से लेकर अभी तक क्या क्या किया है। नंबर 2। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में स्कूल के बच्चे अपनी पसंद का हेयर कट तक नहीं करा सकते हैं। वैसे तो हमारे यहाँ भी स्कूल में बच्चे ज्यादा बड़े बाल नहीं रख सकते, लेकिन नॉर्थ कोरिया में जो हेयर कट किम जोंग का है, वही हेयर कट बच्चों का भी होना चाहिए। और अगर किसी स्टूडेंट ने मना कर दिया तो भाई साहब अंजाम काफी बुरा हो सकता है। हाँ, पर लड़कियों के लिए 15 अलग अलग हेयर कट अलाउड है। नंबर 3। नॉर्थ कोरिया में स्कूल जाने का सही मतलब है कि आपने मिलिट्री ट्रेनिंग शुरू कर दी, क्योंकि नॉर्थ कोरियन स्कूल में बच्चों को 5 साल की उम्र से ही लड़ना सिखाया जाता है। और जिन लोगों को ये क्लास नहीं करनी, उनके लिए दूसरे ऑप्शंस भी होते हैं, लेकिन सारे ऑप्शन आखिर में मिलिट्री पे ही खत्म होते हैं। नंबर 4। इंडियन स्कूल में आपको किसी तरह की प्रॉब्लम है तो आप इन्फॉर्म करके घर जा सकते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरियन स्कूल में बच्चे तो क्या, टीचर भी स्कूल से नहीं जा सकते और सारा खाना पीना स्कूल में ही करना होता है। इसके अलावा एक बात और, स्कूल के चारों तरफ मिलिट्री तैनात होती है, तो भागने की तो सोचना भी मत। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले बताइए ना कि आप किस शहर गांव से हमारी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में बताइए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कानून नंबर 5। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के स्कूल में टीचर और बच्चों को एक ही रूल फॉलो करना होता है। इसमें अगर टीचर थोड़ा सा भी नॉर्थ कोरिया के रूल के बाहर पड़ता है तो बच्चे हाईवे अथॉरिटी को तुरंत इन्फॉर्म कर सकते हैं। और बच्चे अगर ऐसा कोई गाना सुन रहे हैं या गा रहे हैं जिसकी परमिट नॉर्थ कोरिया में नहीं है, तो उन्हें कड़ी सजा झेलनी पड़ सकती है। नंबर 6। नॉर्थ कोरिया में बच्चे जैसे ही 5 साल की उम्र के होते हैं ना, उनसे हफ्ते में 2 दिन लेबर की तरह काम कराया जाता है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के स्कूल में पढ़ रहे ज्यादातर बच्चों की फैमिली काफी गरीब होती है, जिसकी वजह से वो फीस नहीं जमा कर पाते। इसी कारण बच्चों को पढ़ाने के लिए उनसे काम कराया जाता है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये कानून सही है छोटे बच्चों से काम करवाना? कॉमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 7। नॉर्थ कोरिया में स्कूल क्लास में 2 इंसान की फोटो लगी रहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि हर दिन स्टूडेंट्स इन 2 महान इंसानों को खड़े होकर रेस्पेक्ट दे सकें। नंबर 8। दोस्तों, अगर आप किसी का नाम लिख रहे हैं तो बोल्ड लेटर में लिखें, ताकि सारे वर्ड में ये नाम बिल्कुल अलग और आसानी से दिखाई दे। नंबर 9। दोस्तों, यहाँ स्टूडेंट्स को 5 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जिसमें स्पेशल, न्यूक्लियस, बेसिक कॉम्प्लेक्स और हॉस्टाइल होता है। अब बस इतना समझ लीजिए कि जो बच्चे हॉर्स स्टाइल में आते हैं, उन्हें आखिर में जेल ही जाना पड़ता है, और जो इस स्पेशल में आते हैं, उन्हें स्कूल की हर सर्विस मिलती है। कानून नंबर 10। दोस्तों, आज इंटरनेट हर इंसान के लिए बहुत जरूरी है। कई देश में बच्चे अपने असाइनमेंट भी इंटरनेट की मदद से पूरा करते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया में इंटरनेट का मतलब कुछ नहीं है, क्योंकि वहाँ सिर्फ 28 ही साइट्स ऐसी हैं जिनकी परमिशन मिलती है, और कोई भी इंसान बिना स्पेशल परमिट के नॉर्थ कोरिया में इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो भाई, ये थे नॉर्थ कोरियन स्कूल्स के 10 बहुत ही सख्त कानून। नॉर्थ कोरिया का पूरा नाम डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, हालांकि इस देश में कुछ भी डेमोक्रेटिक नहीं है। भाई, इस देश के नाम में ही घपला है। एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए और ऐसे समझ भी लीजिए, नॉर्थ कोरिया अगर आप गए और वहां के लोकल लोगों के सामने इस देश का नाम नॉर्थ कोरिया ले लिया, तो आपके लिए बहुत मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। यहाँ सिर्फ नाम के लिए डेमोक्रेसी है, और अगर बात की जाए साउथ कोरिया की, तो इनका नाम रिपब्लिक ऑफ कोरिया है और ये पूरी तरह नॉर्थ कोरिया से अलग है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया की रहस्यमय दुनिया के जितने राज हैं, शायद ही किसी और दुनिया में हो। यहाँ तानाशाह हो या तानाशाह का बाप, सभी के सभी हसीनों के हुस्न के दीवाने हैं। किम जोंग के आनंद लोक में 13 साल की लड़कियों को जबरन तानाशाह के लिए उठाकर लाया जाता है, ताकि तानाशाह इस आनंद लोक में अपनी अय्याशी पूरी कर सके। दोस्तों, उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग, उनकी तस्वीरें दुनिया भर के अखबारों में अक्सर छाई रहती हैं, लेकिन उनकी निजी जिंदगी अब तक दुनिया के लिए एक रहस्य की तरह है। उदाहरण के लिए, दुनिया अभी भी ये नहीं जानती कि किम जोंग उनकी भाई उम्र क्या है,
लेकिन उनके कुछ करीबियों और उत्तर कोरिया छोड़कर भागे हुए लोग उनके निजी जीवन के बारे में अहम जानकारियां देते रहते हैं। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि ये लड़कियों को पहले अपना गुलाम बनाता है और तब तक बनाए रखता है जब तक वो प्रेग्नेंट ना हो जाए, और जब लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है तो ये उसे मरवा देता है। भाई इतना निर्दयी और अयश। दोस्तों और भी बहुत कुछ जानने वाले हो आज आप, बस आपको करना क्या है, वीडियो को ना टकटकी लगाकर एकदम लास्ट तक देखना है, ओके। उत्तर कोरिया के तानाशाह शासक किम जोंग उन के एक गोपनीय प्लेजर दस्ते का खुलासा हुआ है। इसमें स्कूली लड़कियों को भेजा जाता है। इनकी उम्र 13 साल तक की होती है। इन लड़कियों को वहाँ के सैनिक अचानक उठाते हैं। कई बार तो इन लड़कियों को स्कूल से ही उठा लिया जाता है। इसके बाद इन लड़कियों को नॉर्थ कोरिया के एलीट स्मॉल मिलिट्री सर्कल में पेश किया जाता है। इन लड़कियों की मेडिकल जांच की जाती है और रूटीन चेकअप होता है। जांच कर इस बात की पुष्टि की जाती है कि कहीं उनकी कौमार्यता खत्म तो नहीं हुई है। ये महिला किम जोंग उन के पिता किम जोंग इल के साथ एक दशक तक रहे। अब एक लंबे अंतराल के बाद किम जोंग उन ने बंद पड़े इन अय्याशी के अड्डों को फिर से खोल लिया है। उसने अपने अधिकारियों से अपने पिता की उस परंपरा को जिंदा करने के लिए लंबी और खूबसूरत लड़कियों की नियुक्ति करने के लिए कहा है। यानी कि फिर से नॉर्थ कोरिया में आनंद लोक तानाशाह के अय्याशी का सबसे बड़ा अड्डा होगा। ये दावा इस आनंद लोक से भाग निकलने में सफल रही कुछ लड़कियों ने किया है। अब वीडियो जरा ध्यान से देखिए और समझिए। नॉर्थ कोरिया से भागने में कामयाब रही थी एक महिला। उसने किम जोंग उनके अत्याचार की कहानी जब सुनाई तो सब हैरान रह गए। उसने बताया कैसे जब वो 15 साल की थी तब सेना के जवानों ने उसे स्कूल के क्लासरूम से उठा लिया था, जिसके बाद उससे पूछा गया कि क्या तुमने कभी किसी लड़की के साथ संबंध बनाए हैं। अच्छा वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले जरा ये बताइए ना कि आप किस शहर गांव से हमारी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में बताइए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह सन के किम जोंग उन के रहस्यमय दुनिया की एक अहम हिस्सा उसकी पत्नी री सोल जू भी है। नॉर्थ कोरिया की मीडिया में तो री सोल जू के बारे में बहुत कम खबरें ही आती हैं। विदेशी मीडिया में ही उनके बारे में कुछ जानकारियां उपलब्ध हैं। साउथ कोरिया की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक री की माँ डॉक्टर और पिता प्रोफेसर हैं। री सोल जू का जन्म 28 सितंबर 1979 को हुआ। बताया जाता है कि री सोल 2005 में एशियन एथलीट चैंपियनशिप के दौरान देश की कैपिटल सिटी प्योंगयांग आई थी। इस दौरान वो 90 चेयर लीडर्स की टीम में शामिल थे। इसी दौरान किम जोंग उन के उस पर नजर पड़ी और वो री सोल जू की खूबसूरती पे फिदा हो गया। किम के एक शेफ के मुताबिक जोंग ने री सोल से मुलाकात करते हुए उनकी खूबसूरती की तारीफ की। री सोल की तारीफ में किम जोंग ने ये भी कहा कि वो बहुत खूबसूरत है और उसकी आवाज इतनी मीठी है कि मैं उसे बयां नहीं कर सकता। आज तक किसी को ये नहीं पता कि किम की शादी कब और कैसे हुई। अचानक 2012 में वो एक खूबसूरत लड़की के साथ नजर आए और इसके कुछ दिनों बाद ही नॉर्थ कोरिया के सरकारी मीडिया ने ऐलान किया कि वो महिला किम जोंग की वाइफ है और उसका नाम री सोल जू है। कहा जाता है कि किम की शादी सन 2009 में उनके पिता ने ही री सोल से कराई और साल 2010 में इनकी एक बच्ची का भी जन्म हुआ था। हालांकि इस बात की भी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। भाई आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों देखा आपने कितना अय्याश है किम जोंग। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और रोचक वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।